नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है एसएसपी कार्यालय गोरखपुर के अंदर और हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक हजूम यहाँ पर है मुस्लिम लोगों का। अभी परसों की घटना है कि डासना के शिव शक्ति मंदिर के जो प्रमुख हैं यति नित्यानंद सरस्वती ने गुस्ताखे रसूल में कुछ बोल दिया है। रसूल जो पैगंबर इस्लाम हैं उनकी शान में कुछ गुस्ताखे की है, कुछ अपशब्दों का टिप्पणी किया है, जिसको लेकर के मुस्लिम समाज में बहुत ज़्यादा रोष है। आज उसी रोष को यहाँ पर प्रकट करने के लिए ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और SSP को ज्ञापन दे रहे हैं। आइए बात करते हैं क्या कुछ इन लोग का कहना है, क्या मांग है आप लोगों की, किस मांग को लेकर के यहाँ आए हैं। नरसिंहानंद जो कि डासना का महंत है किसी जगह का, वो उसकी आदत बन चुकी है, इसने दोबारा हमारे सरकार की शान में गुस्ताखी की है और यकीनन इस तरीके से गुस्ताखी कर करके अपनी सस्ती शोहरत को तूल देने के लिए वो इस तरह का काम कर रहा है। और प्रशासन, हम आज यहाँ पे ऑफिस पे आए हैं उसके खिलाफ़ गिरफ्तारी के लिए और उस पर FIR दर्ज करवाने के लिए, ताकि उसके ऊपर कार्रवाई हो और उसका मन जो इस तरह बढ़ा हुआ है इस पर रोक लगाया जाए। और जिस तरीके से उसने गुस्ताखी करके हमारे आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है, इससे समाज में नफरत ही फैलेगा, दो समुदायों के बीच में एक तनाव का माहौल बनेगा। हम अगर मुफ्ती सलमान अज़हरी 2-3 शेर पढ़ने किसी समुदाय का नाम लिए बगैर उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ये नरसिंहानंद हर वक्त हमेशा हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है, उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हमारी मांग यही है कि नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया जाए और इस तरीके से कोई भी किसी भी समुदाय विशेष के धर्मगुरुओं को या धर्म उपदेशकों के खिलाफ अगर किसी तरीके की अभद्र टिप्पणी करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, हमारी मांग ये है। जैसा कि आप बता रहे कि इसके पहले भी कई बार हो चुका है जी, तो कोई कार्रवाई तो ही नहीं उसको, अगर इस बार भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो अगला स्टेप आपका क्या होगा। हम लोग इस आंदोलन को और बड़ा करने का प्रयास करेंगे, जिस तरीके से इम्तियाज़ जलील साहब ने महाराष्ट्र के अंदर किया, हम लोग इसे और प्रोग्रेसिव बनाएंगे ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार गिरफ्तार करती है फिर छोड़ देती है, सरकारी संरक्षण उसे प्राप्त है, इसी वजह से उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हम योगी आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पर इनका सीधा ये कहना है कि किसी भी हाल में ये बार बार ये चीज़ें हो रही हैं और पैगंबर रसूल के ख़िलाफ़ बार बार वो टिप्पणी कर रहे हैं और उनको गिरफ़्तार किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इनका ये मांग है कि इसको परमानेंट गिरफ़्तार किया जाए और अगर गिरफ़्तारी नहीं होती है तो आंदोलन को और धार देंगे और तेज़ करेंगे और बड़ा आंदोलन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग और हैं, आपका क्या मानना है। देखिए, मेरा मानना यही है कि ये बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में जो बार बार टिप्पणियाँ की जाती है, ये टिप्पणियाँ सख्त से सख्त की सज़ा होनी चाहिए किसी भी धर्म को लेके। आप होते क्यों हैं, कभी आपने सुना है क्या कभी कोई मुसलमान धर्मगुरु ने कभी भी किसी धर्म पे लेके कभी कोई टिप्पणी किया, ये इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है। ये आपस में लड़ाने की साजिश है। दो लोग यहाँ हमारे वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म यहाँ के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर इनका साफ कहना है कि कोई भी मुस्लिम धर्मगुरु या कोई किसी मुस्लिम वक्ता ने आज तक कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की है किसी भी धर्म के लिए, किसी भी धर्म विशेष के लिए कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी आज तक उसने नहीं की है। लेकिन बार बार यति नरसिम्हा नंद सरस्वती के बारे में ये बात आ रही है कि वो टिप्पणी बार बार करते चले आ रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। इसी मांग को लेकर के आज यहाँ पर ये लोग एकत्र हुए हैं। अगर इस तरह से अगर यहाँ पर मांग को नहीं माना गया तो ये आंदोलन और बड़े रूप लेगा और बड़ा रूप लेगा। मैं मोहम्मद यूसुफ गोरखपुर से ENDaily के लिए।